तो बच्चों, टर्की में रहने वाले हमको क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बच्चों, टर्की में रहने वालों को टर्क्स कहते हैं, अब याद रखना, ठीक है? तो बच्चों, अब बताओ, जर्मनी में रहने वालों को क्या कहते हैं? वेरी गुड बेटा चिंटू, हाँ बताओ आप। जर्मनी में रहने वालों को जर्म्स कहते हैं। क्या? डार्लिंग, बताओ क्या तुम मेरी मरने के बाद फिर से शादी कर लोगी? नहीं डार्लिंग, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। डार्लिंग, अब तुम बताओ क्या तुम मेरे मरने के बाद फिर से शादी कर लोगे? नहीं डार्लिंग, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ शर्मा जी, आइए बैठिए। जी सर, बताइए। हो, मैंने आपको कल फोन किया था, आपकी बीवी ने उठाया। आपकी बीवी ने कहा आप खाना बना रहे हैं। जी हाँ सर, मैं खाना बना रहा था। फिर आपने वापस मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था सर, आपकी बीवी ने उठाया, उन्होंने कहा आप बर्तन मांज रहे हैं। अरे सुनती हो, आज खाना मिलेगा कि नहीं या भूखा सोना पड़ेगा? अरे ला रही हूँ, क्यों मरी जा रही हूँ, ये लो खा लो। अरे रुको। हाँ अब क्या हुआ? ये भी कोई खाना है भला? कोई इंसान इसे खा सकता है? गोबर जैसा स्वाद है इसका। हे भगवान, इसमें आपकी ऐसे सब चक्र गए।